आज जिस खबर से इस विश्लेषण की शुरुआत की जा रही है वे हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। जब भारत का पड़ोसी मुल्क अपनी जनता को मदरसों की तालीम देकर उनके भीतर विषैले बीजों की खेती तैयार कर रहा है, वही भारत दुनिया को अपने विज्ञान की उस शक्ति से परिचित करा रहा है जिसका जनक कभी भारत था। आज भारत ने उस धारणा को मजबूत किया है कि विश्व गुरु की तरफ बढ़ने वाले उसके कदम अब रुकने वाले नहीं है। भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। चांद के मिशन पर निकले भारत ने आज एक और ऊंची छलांग लगाई है। चंद्रयान 2 के मॉड्यूल से लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक अलग हो गया। हमारे वैज्ञानिकों ने यह उपलब्धि दिन में 1:35 पर हासिल की। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इस अलगाव को मायके से ससुराल के लिए रवाना होने जैसा बताया है। बड़ी बात यह है कि चंद्रयान 2 के इस भारत मिशन पर दुनिया की नजर है। इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते भारतीय सफलता हासिल करे। चंद्रयान 2 मिशन में पृथ्वी से लेकर चांद की कक्षा तक पहुंचने में ऐसे देश ऊपर को हाथ उठाए बस बद्दुआ ही करते रहे हैं, पर हमारे वैज्ञानिकों के अथाह परिश्रम और उनके कौशल के आगे वे अब तक पराजित ही होते रहे। चौंकाने वाली बात यह है कि चंद्रयान मिशन में चीन भारत की मदद कर रहा है। चीन और अन्य कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों से भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान 2 पर नजर बनाए हुए हैं। चीन द्वारा इस सहयोग का मकसद क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता नहीं है, बल्कि यह धरती के चंद्रमा की तरफ बढ़ते कदम है। पर इसके बावजूद अभी भी कुछ लोग मदरसा छाप प्रवर्तिका परित्याग नहीं कर पाए हैं। पर तमाम विरोधाभासों को धता बताते हुए चंद्रयान 2 चंदा मामा से मुलाकात के लिए उसकी 5वीं कक्षा में प्रवेश कर गया है। जिन लोगों को इसकी गंभीरता का अधिक ज्ञान नहीं है उनके लिए यह एक सामान्य घटना से थोड़ी ऊपर की बात हो सकती है, लेकिन यह सब कुछ बहुत ही असाधारण और बेहद चुनौतीपूर्ण काम है। दरअसल चंद्रयान 2 में लैंडर सेपरेशन काफी तेजी से हुआ है, यानी यह उतनी ही गति से हुआ जितनी गति से कोई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से अलग होता है। इस प्रक्रिया में मात्र 1 सेकंड ही लगा, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने इसे संभव कर दिखाया। उन्होंने अलगाव की उस तकनीक का इस्तेमाल किया जिसका पायलट लड़ाकू विमान में खराबी आने के बाद अपनी जान बचाने के इंजेक्ट होने के लिए करते हैं। लैंडर विक्रम ने चंद्रयान 2 को अलविदा बोल दिया है। अब वह चंद्रमा को भारतीय वैज्ञानिकों की ताकत से परिचित कराएगा। मतलब लैंडर विक्रम चंद्रमा पर भारत की शक्ति, भारत के विज्ञान और भारत की अद्भुत कौशल क्षमता का परिचायक बनने जा रहा है। कमाल की बात यह है कि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी अंतरिक्ष की सैर करने की ख्वाहिश पाली है, लेकिन अभी तक उसके एक्सपेरिमेंट भारत को अस्थिर करने के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। मतलब आतंकवादियों को भारत में कैसे पहुंचाना है, उनके लिए कौन से रास्ते और वक्त अनुकूल होगा, यानी उसकी हरकतें ऐसा इशारा कर रही है कि मदरसा छाप पुल के लिए मानवता और पृथ्वी जैसे जीवनदायिनी ग्रह की कोई अहमियत नहीं है। इस मुल्क ने 2022 में पृथ्वी से बाहर जाने का ख्वाब देखा जरूर है, मगर फिलहाल इसे जहद से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही है। इसी बीच पाकिस्तान की छाती पर चोट करने वाली खबर यूरोप से आई है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने न केवल अनुच्छेद 370 के हटाने का भारत का समर्थन किया, बल्कि उसने सीधे सीधे पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई है। यूरोपियन संसद के सदस्य टॉम जोकोवस्की ने इस फैसले को कश्मीर घाटी से आतंकवाद खत्म करने वाला बताया है। टॉम ने साफ शब्दों में कहा कि कुछ आतंकी संगठन और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर और पीओके में आतंक फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर संगठनों को पाकिस्तान आर्थिक सहायता और हथियार उपलब्ध कराता है। मतलब यह पाकिस्तान की दुनिया में हो रही निरंतर बदनामी के साथ उसके मुंह पर करारा तमाचा भी है। पर पाकिस्तान ऐसे बयानों से सुधरने वाला नहीं है। वह भारत के चंद्रयान 2 से कोई सीख लेगा यह भी संभव नहीं है। पाकिस्तान भारत विरोध में इतना अंधा हो चुका है कि उसने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया है। उसकी जनता के दिमाग में 1971 के बांग्लादेश अलग किए जाने का बदला भीतर तक भर गया है। हालत यह है कि युद्ध उन्माद में पगलाया यह देश अब खोखला हो चुका है, जहां ईद और बकरीद के दिन चांद को देखने की आदत उनकी जीवन शैली में शुमार हो चुकी है। यह ठीक उसी तरह है जैसे आज 2 घंटे के लिए कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देकर अपनी पीठ खुद ही खुजा ली। यानी पाकिस्तान ने दुनिया और खास तौर से ICC को यह दिखाने का ड्रामा रचा कि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करता है, मगर यह वो तभी करता है जब उसके पिछवाड़े पर भारत जैसा मुल्क अपना डंडा मारता है।
यानी भारत की बातें इसे बिना ठुकाई के समझ में नहीं आती, पर यह भी सत्य है इसे समझ में आती जरूर है। जैसे आज भारत के कहने के बावजूद यह आंतरिक मामलों में दखलंदाजी से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी। पर फिलहाल भारत की नजर पाकिस्तान पर नहीं चंद्रयान पर है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।